हेलो फ्रेंड्स, तो आज एज प्रॉमिस्ड वी आर स्टार्टिंग विथ डे टू कवर ट्राइंग टू कवर थ्री फोर टॉपिक्स इट्सेल्फ और टू और थ्री चैप्टर्स इट्सेल्फ. अब आप ध्यान रखिए, एज आई सेड टुडे वी आर गोइंग टू कैरी 60-70% ऑफ एग्जम्पशन एंड वन अनदर इंडिपेंडेंट टॉपिक विल टेक. आई विल एबल टू अपलोड मोस्ट प्रॉब्ली फोर वीडियोज विच विल बी ऑफ टू और थ्री चैप्टर्स. अभी जो ये चार्ट है 11, इट इज ऑफ ऑन गोइंग इनपुट टैक्स क्रेडिट. आई एम प्लानिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट एट द एंड, ओके, क्योंकि उसमें क्या होगा, काफ़ी सारी चीज कनेक्टेड रहती है, उसके लिए फंडास भी हमें बहुत क्लियर चाहिए. तो बेसिकली आज हम एग्जम्पशन से स्टार्ट कर रहे हैं. एग्जम्पशंस मैंने यहाँ पे सब एक साथ दिए हैं टॉपिक वाइज, यानी एक सेगमेंट लिया है उस तरह से हमने किया है. सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कनेक्ट इट. ऐसा नहीं सीरियल नंबर वाइज नहीं, जो जनरली अपनी बुक्स में होता है सीरियल नंबर वाइज एज पर बेयर एक्ट, ऐसा नहीं दिया है. मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया है प्रोविजन कि भाई रिलीजियस सर्विस के सब एक साथ, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के साथ, एग्रीकल्चर के सब एक साथ, हेल्थ और सर्विस के एक साइड, उस तरह से हमने सब मर्ज कर दिए है. तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. वी आर स्टार्टिंग एग्जम्पशन पार्ट वन, दैट इज चार्ट नंबर 11. ये जो चार्ट नंबर 11 है उसका सब पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एग्जम्पशन. एज एग्जम्पशन इज वेरी बिग, सो आई थॉट कि एग्जम्पशन को पहले कवर कर लेते हैं विथ अमेंडमेंट्स. तो सबसे पहले एग्जम्पशन नोटिफिकेशन नंबर इज 12/2017. ओके, सर्विस इज बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एंड सर्विस इज टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज अ डिफरेंट थिंग. आई होप एवरी वन नोज दैट. तो सर्विस इज बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर 12AA एंड द एक्टिविटीज विच आर कवर्ड आर एग्जेम्प्ट. बट इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट सर्विस इज प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट आर नॉट आउटसाइड GST प्रिव्यू. उसका मतलब क्या होता है कि उस पर GST लगेगा. अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट सर्विस इज प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट आर नॉट आउटसाइड GST प्रिव्यू, मीन्स इट इज विद इन GST. सो इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यू आर रेजिंग अ बिल टू charitable institution, you are under GST, you are supposed to charge. It is to charitable trust, not by charitable trust. तो अब आगे बढ़ते हैं. Services by charitable entities which are registered under 12AA of Income Tax Act by way of charitable activities. इसमें काफी सारी charity activity हमें थोड़ी याद भी रखनी पड़ती है. सबसे पहले public health by way of care and counseling of terminally ill. ओके, सो दैट इज टर्मिनली इल पर्सन, सिवियर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी. अगर ये सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, यू विल बी एग्जेम्प्ट. पब्लिक बाय वे ऑफ केयर एंड काउंसिलर ऑफ एफ्लिक्टेड बाय HIV एंड AIDS. पब्लिक वे ऑफ केयर एंड काउंसिलिंग पर्सन एडिक्टेड टू अ डिपेंडेंट फॉर्मिंग सब्सटेंस एज नार्कोटिक ड्रग्स. नार्कोटिक ड्रग्स में कोई चला गया, अल्कोहल में कोई चला गया, तो उसका जो रिहैबिलिटेशन सेंटर जो बोलते हैं हम उसे, ओके, वापस उसे नॉर्मल करने के लिए, जैसे मूवीज में आपने देखा होगा. सो दैट इज ऑल्सो कवर्ड. पब्लिक बाय वे ऑफ केयर एंड काउंसिलिंग ऑफ पर्सन एडिक्टेड बाय अल्कोहल एंड नार्कोटिक ड्रग्स. पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन. ओके डियर फ्रेंड्स, कहीं पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक लगे तो वो चेंज कर लेना, इट्स फैमिली प्लानिंग. एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ऑफ योगा, ये भी एग्जेम्प्ट है. प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वॉटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट. एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम एंड स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड टू द प्रिजनर्स और पर्सन ग्रेटर देन 65 ईयर्स इन रूरल, फिजिकल, मेंटली अब्यूज्ड पर्सन और अबेंडन ऑर्फेंड और होमलेस चाइल्ड, दिस ऑल आर एग्जेम्प्ट अंडर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन. देन सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी. डियर फ्रेंड, ऐसा है नॉर्मल कोचिंग हम लोग जो कराते हैं उस पर तो GST लगेगा. ओके, ट्रेनिंग एंड कोचिंग ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज विच आर नॉट रिलेटेड टू CA, विच आर रिलेटेड टू आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स. ओके, ये तीन के रिलेटेड होगा और ऑब्वियसली 12AA में आप रजिस्टर्ड होंगे तो आपको GST भरने की जरूरत नहीं. इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाई 12AA चैरिटेबल ट्रस्ट पे GST नहीं, बट ऑल्दो देर आर टू एग्जम्पशन,
एग्जम्पशन शैल नॉट अप्लाई टू OIDAR सर्विस एंड इम्पोर्ट ऑफ सी फ्रेट. ये फाइनल के स्टूडेंट के लिए होगा. मैं जहाँ जहाँ ऐसा बोलूँ ये फाइनल के लिए है, तो इंटर के स्टूडेंट उतना फोकस नहीं करेंगे तो चलेगा. अदरवाइज व्हाट यू विल फील कि दिस इज ऑल ऑफ न्यू, ऐसा हमने पढ़ा नहीं, ऐसा हो जाएगा. ओके क्योंकि चार्ट में क्या होता है, जो फाइनल का होगा उसका अलग बनता है, लेकिन जो कॉमन चार्ट थोड़े रहते हैं जिसके अंदर एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा डालने हैं, तो वी कवर इट इन बोथ. दिस इज अमेंडमेंट डियर फ्रेंड्स, ये अमेंडमेंट है, आपको याद रखना है. फोर्थ वन, सर्विस बाय ओल्ड एज होम रन बाय 12AA रजिस्टर्ड एंटिटी टू रेसिडेंट एज मोर देन 60 ईयर्स अगेंस्ट कंसिडरेशन. ये आपको याद रखना है एमसीक्यू के एंगल से. ओके 25,000 पर मंथ, और ये 25,000 रुपए किस चीज के लिए, पर मेंबर, दो मेंबर के लिए 50,000. प्रोवाइडेड दैट कंसिडरेशन इज चार्ज इन इंक्लूसिव ऑफ बोर्डिंग लॉजिंग एंड मेंटेनेंस. सो 25,000 पर मेंबर ओल्ड एज होम में विच इज रन बाय 12AA रजिस्टर्ड एंटिटी, देन यू आर नॉट लायबल फॉर जीएसटी. उसके बाद डियर फ्रेंड्स, रिलीजियस सर्विसेज की बात अगर हम करते हैं, ओके तो कौन सी रिलीजियस सर्विसेज, ऊपर मैंने ऑलमोस्ट 12AA का सब चीज कवर कर दिया, अलग अलग जगह पे है तो भी सब एक साथ लाके. ओके तो यहां पे रिलीजियस के साथ जितना कनेक्टेड है उसे भी सब एक साथ लाके खत्म करते हैं. सर्विसेज बाय वे ऑफ कंडक्टिंग ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, कोई भी रिलीजियस सेरेमनी होगी तो जीएसटी नहीं लगता, वो एग्जम्प्ट है. रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी पे जनरली लगता है, लेकिन यहाँ पे देखिए रेंटिंग ऑफ प्रीसिंग्स ऑफ रिलीजियस प्लेस मेंट फॉर जनरल पब्लिक ओन्ड एंड मैनेज बाई 12AA, 10, 23C, BB एक्सेट्रा, तो उस पे जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, क्या पढ़ रहे हैं हम, एग्जम्पशन, तो नहीं लगेगा. कोई भी रिलीजियस सेरेमनी होगी नहीं लगेगा, रेंटिंग ऑफ इमोबल पर लगता है लेकिन इट्स ओन बाई 12AA तो नहीं लगेगा. फिर क्या आता है उसका एक्सेप्शन, एक्सेप्शन यानी अब लगेगा, कब लगता है ध्यान से देखिए. नो एग्जम्पशन अंडर 2 above शैल अवेलेबल टू बिलो मेंशन क्लास. रेंटिंग ऑफ रूम, अगर आप रूम रेंट पे देते हो और उसमें आप चार्ज करते हो 1000 और मोर पर डे, अगर एक दिन का रेंट 1000 से ज्यादा है तो लगेगा जीएसटी, तो उसका मतलब क्या होगा, वहां पे होगा लायबल फॉर जीएसटी. इज इट ओके, दैट इज लायबल फॉर जीएसटी. रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस कम्युनिटी हॉल शादी के लिए, कल्याण मंडपम एंड ओपन एरिया एंड लाइक अदर चार्जेस वेयर इट इज मोर देन 10,000 पर डे. डियर फ्रेंड्स यहाँ पे एक जीरो ज्यादा है, मेक इट 10,000. ओके 10,000 पर डे से ज्यादा होगा तो लायबल फॉर जीएसटी, अदरवाइज नॉट. ओके इट विल बी लायबल फॉर जीएसटी अदरवाइज नॉट. सो इन दैट केस पहले दो चीज जो थी वो पर डे थी, वो ध्यान रखो, और ये जो तीसरी वाली है वो पर मंथ है. अगर आप शॉप अदर स्पेसिस फॉर बिजनेस कॉमर्स चार्जेस यू आर गिविंग टू समवन और वहां पे भी 10,000 है, लेकिन वो 10,000 पर मंथ है. ऊपर क्या था, कम्युनिटी हॉल अगर शादी के लिए आप देते हो और 10,000 से ज्यादा लेते हो जीएसटी लगेंगे, 10,000 से कम होगा तो नहीं लगेगा. ऊपर कमरे, ओके आपने रिलीजियस जैसे कोई सारी हॉस्टल्स होती है पर्टिकुलर कम्युनिटी की, वहां पे बच्चे आके रहते हैं तो आप रूम दे रहे हो या फैमिली आके रहती है, तो यू आर चार्जिंग मोर देन 1000 यू आर लायबल फॉर जीएसटी. लेस देन 1000 नो जीएसटी. एक दिन के लिए कम्युनिटी हॉल देते हो लेस देन 10,000 नो जीएसटी, 10,000 से ज्यादा जीएसटी. शॉप है आपकी बिजनेस के लिए देते हो तो वहां पे शॉप का पर डे रेंट नहीं होता डियर फ्रेंड, शॉप का रेंट कैसा होता है पर मंथ, तो वो 10,000 से ज्यादा होगा तो जीएसटी लगेगा वरना नहीं. सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज, तो डियर फ्रेंड्स दो पिलग्रिमेज रहते हैं, मुस्लिम्स लोग के लिए हज रहता है, हिंदुओं के लिए कैलाश मानसरोवर. ओके कैलाश मानसरोवर का रहता है दो पिलग्रिमेज रिलीजियस, फैसिलिटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर बायलेटरल अरेंजमेंट. बायलेटरल इसीलिए क्योंकि दोनों के लिए आपको इंडिया के बाहर जाना पड़ता है, आर एग्जेम्प्ट. फॉर दिस पर्पस कुमान मंडल विकास निगम, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड अंडरटेकिंग एंड द कमिटी ऑफ स्टेट आर नोटिफाइड. तो डियर फ्रेंड्स ये जो है ये थे हमारे दो स्पेसिफिक सेगमेंट के एग्जम्पशंस. ये चार्ट यहाँ पे खत्म होता है, आई विल अपडेट इमीडिएटली ओनली, ये जो ऑनलाइन यूट्यूब पे रखूंगा तो थोड़ी देर में सेकेंड पार्ट आ ही जाएगा. तो मीनवाइल आप लोग चार्ट जिनके पास है, जिनके पास नहीं है डियर फ्रेंड्स, दे कैन बाय इट्स एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट,
इंक्लूसिव ऑफ कुरियर कॉस्ट, और अगर आपके पास नहीं है तो फिर ये वीडियो आप पॉज करके देखिए. ओके, उतना विजिबिलिटी नहीं आएगा, बट स्टिल यू कैन वॉच. एंड दोज हु वांट टू ऑर्डर दे कैन ऑर्डर यू. वी आर सेलिंग इट बाय पेटीएम, ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कई तरीके से भी आप ले सकते. तो स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट पर्टिकुलर चार्ट से, दैट इज चार्ट नंबर 12. इसको खत्म करते हैं. थैंक यू.